हेलो दोस्तों, मैं इमरान, आप देख रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सोलर वायरिंग कनेक्शन किस तरह से की जाती है, घरों के लिए सोलर वायरिंग किस तरह से कनेक्शन की जाती है और इनमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये रहा सोलर पैनल और ये रहा सोलर कन्वर्टर और ये रहा डीसी बल्ब और ये रही 2 पोल MCB और ये रहा 15 amps कमांड और ये रही बैटरी और ये रहा इन्वर्टर और ये रही एक और MCB और ये रहा हमारा घर। तो चलिए दोस्तों वायरिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये दोनों टर्मिनल जो सोलर पैनल से कन्वर्टर के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, और सेकंड जो है सोलर कन्वर्टर से पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी की ओर, तो ये सोलर एनर्जी से चार्जिंग के लिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, और यही पॉजिटिव और नेगेटिव UPS जो हमारा इन्वर्टर है उसके लिए, जो कि हमारा DC 12 वोल्ट से AC 220 वोल्ट निकलता है। और ये हमारा DC पावर सप्लाई जो कि DC बल्ब के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा अर्थिंग जो कि हमारे इन्वर्टर चार्जिंग के लिए पावर सप्लाई, और ये रहा पॉजिटिव और नेगेटिव, और MCB कंट्रोल होके आउटपुट से जो हमारा 15 amps कमेंड है उसकी ओर, यह हमारा चार्जिंग के लिए पावर पॉइंट हो चुका है। तो इन्वर्टर का जो हमारा चार्जिंग है जो हमारा पावर सप्लाई से चार्ज होता है, इसके लिए हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया हुआ है। अब यहाँ से आउटपुट जो है इन्वर्टर से, ये हमें MCB से कंट्रोल करके घर के ओर आउटपुट कनेक्शन इस तरह से करना है, और घर को भी अर्थिंग देना बहुत जरूरी है। तो हम यहां पे इसको भी अर्थिंग कनेक्ट कर लेंगे। तो कैसा रहा दोस्तों हमारा ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फिर से अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।